नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों दिनांक 22 जून 2023 से एक बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। मित्रों यह राज सबसे छुपा कर रखना और जितना हो सके दबा कर रखना, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है। मित्रों आइए सबसे पहले अगर नजर डालें पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं कि 22 जून को गुरुवार का वार है, साथ में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की मित्रों चतुर्थी तिथि है। और आप सभी को बता देते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, वही हसरण एवं ब्रज नामक योग भी बन रहा है। मित्रों अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो वृषभ राशि में विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह कर्क राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में मित्रों समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों हमारी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र भी लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए मित्रों सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में मित्रों 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों इस विचार को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। क्योंकि मित्रों जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करके अपने जीवन में कुछ करता है तो परमात्मा उसके लिए और भी बेहतरीन परिणाम लेकर खड़े रहते हैं। तो आइए मित्रों इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की ओर। तो मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि समय बहुत शुभ चल रहा है। मित्रों वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपको नए कामों को हाथ में लेने से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आगे बढ़ना है तो मित्रों नए काम हाथ में लेने ही होंगे। खुशनुमा समय व्यतीत होगा। काफ़ी समय से जीवन में जो व्यवस्था चल रही है मित्रों, उस व्यवस्था से राहत पाने के लिए रुचिपूर्ण कार्यों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा संपर्क दायरा भी आपका विस्तृत होगा। मित्रों बता देते हैं कि जीवन में मेल मुलाकात के अवसर बनने की वजह से आप बहुत कुछ पा लेंगे, और हाँ इस समय निवेश से संबंधित कार्यों में भी आपको ध्यान देना है। व्यवस्था के बावजूद पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। जी हाँ जीवन में व्यवस्था बनी रहेगी, और बाहरी लोगों के साथ मेलजोल करते समय ध्यान रखिए कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है। मित्रों विद्यार्थी वर्ग जो हैं व्यर्थ की बातों से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। विद्यार्थी
वर्ग को एक बात अभी सुनिश्चित कर देते हैं कि मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के शुभ परिणाम आप पा लेंगे, अव्वल आप हो जाएंगे, तो मित्रों ऐसा नहीं है। आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। धार्मिक मामलों में मित्रों आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, और बता देते हैं कि आध्यात्मिक बातों की तरफ ध्यान देकर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मित्रों आर्थिक मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, और जल्दबाजी में लिया फैसला नुकसानदायक हो सकता है, तो काबिलियत के दम पर नई उपलब्धियां और ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिलने से बहुत प्रसन्नता रहेगी, और घर में आपसी और सामंजस्य प्रेम बना रहेगा। मित्रों घर की व्यवस्था बहुत उत्तम बनी हुई है, आपकी पूरी रजामंदी के साथ सारे कार्य संपन्न होंगे, और परिवार आपके ऊपर अटूट विश्वास दिखाएगा। प्रेम संबंधों में बनाए रखने के लिए कुछ समय और विश्वास दोनों जरूरी है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें, और इस समय उन्हें इलाज और भावनात्मक सहयोग दोनों जरूरी है। मित्रों नई जिम्मेदारियां मिलने से एकाग्रता कम हो सकती है, और अनजाना डर भी बहुत जल्द दूर होगा, और नई बातें सीखने का उत्साह भी बढ़ेगा। जिन कामों में अनुभव नहीं है उनके बारे में मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, और जीवन में आ रहे बदलाव पर भरोसा रखें। करियर में बढ़ोतरी प्राप्त हो सकती है, और प्रसिद्धि मिलने की भी संभावना है। मित्रों अपने काम को सही तरीके से करते रहें, और पार्टनर के विचारों को ना समझ पाने की वजह से आपका तनाव बढ़ सकता है, फिर भी आप खुद पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, और सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे जारी रखें। अपने मित्रों समय का सदुपयोग करें। जी हाँ, यदि कोई राजनीतिक कार्य अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का अवसर आपको जल्द मिलेगा, और पिछले कुछ समय से आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलने के योग है। जो महिलाएं घर गृहस्थी के कार्यभार देखती है, यानी कि हाउस वाइफ जिसे कहते हैं, तो बता देते हैं मित्रों कि गृहिणियों के लिए भी कामकाजी महिलाएं अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकेगी। नकारात्मक गतिविधि के कुछ लोग आपकी आलोचना और निंदा करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, आपका नुकसान नहीं होगा। मित्रों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें, क्योंकि तनाव में आकर ही मित्रों आप हर बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। तनाव से कोसों दूरियां बनाकर रखनी है। परिवार में बहुत बढ़िया समय बीतेगा मित्रों, परिवार का एक एक व्यक्ति बहुत खुश होगा, और मन मुताबिक तरीके से समय बीतेगा। समस्याएं धीरे धीरे हल होती हुई नजर आएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से तनाव खत्म हो सकता है, और प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदी बिक्री का काम होगा। मित्रों कहीं भी हस्ताक्षर या पेपर संबंधित कोई भी कार्य करते समय बहुत अधिक सावधान रहें। आपकी जरा सी लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है, और किसी रिश्तेदार की मदद भी आपको करनी पड़ सकती है, और उस वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों से भी समझौता करना पड़ेगा। व्यवसाय में छोटी मोटी चुनौतियां आएगी। साझेदारी से जुड़े बिजनेस में पारदर्शिता रखना भी बहुत जरूरी है, और किसी भी असमंजस्य की स्थिति में अनुभवी लोगों की सलाह पर अमल करना फायदेमंद रहेगा। मित्रों ऑफिस में चल रही राजनीति से बिल्कुल दूर बनाकर रखें, क्योंकि ऑफिस की राजनीति आपको अपने चंगुल में फंसा सकती है, और पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति लेने का समय है। गलत खान पान की वजह से
पेट खराब हो सकता है और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना भी काफी जरूरी है। और मित्रों, इस बात का भी समय ध्यान अति उत्तम चल रहा है, इस समय का सदुपयोग आपको करना होगा। मित्रों, बेकार के वाद विवादों से आपको दूर रहना है और साथ ही जितना ज्यादा हो सके स्वयं को मित्रों ऊर्जावान बनाकर रखें। और परिवार में इस वक्त कुछ लोगों का आपको मित्रों तिरस्कार करने की वजह से बड़ा दुख पहुंच सकता है, तनाव बढ़ सकता है, किसी भी काम की जिद ना करें और लोगों का साथ ना मिलने से अकेलापन आपको महसूस होगा, लेकिन आपकी परिस्थिति सुधारने के लिए सही स्रोत आपको मिल सकता है। समस्या हल करने के लिए जो रास्ता आपको सही लगता है केवल उस पर ध्यान दें। और तनाव बढ़ने से काम बीच में ही रोक सकता है, लेकिन ऐसा ना करें मित्रों, आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। पार्टनर की कटु बातों के कारण आपका मन थोड़ा सा दुख सकता है, लेकिन मित्रों ये रिश्ता पति पत्नी का है, प्रेम जीवन का है, इसे सुलझा कर रखें। इसको बिगाड़ने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको बता देते हैं कि समय की चाल जो है थोड़ी सी उल्टी भी हो सकती है मित्रों, अर्थात जो आपने नहीं सोचा होगा वह हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और बेकार की चिंता बिल्कुल ना करें। अपने जीवन को शांतिमय तरीके से व्यतीत करें। और हाँ, रुका हुआ पैसा आपको बहुत दुख दे रहा था क्योंकि आप किसी भी काम को नहीं कर पा रहे थे, ना आप इधर के रह रहे थे ना उधर के रह रहे थे। तो मित्र, रुका हुआ पैसा आपको हासिल हो सकता है, घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा और आपसी मेल मिलाप सबको खुशी प्रदान करेगा। कोई सरकारी मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उसका कोई हल निकल सकता है। प्रैक्टिकल रहे मित्रों, क्योंकि कुछ लोग स्वार्थ साधने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए आपकी निजी जिंदगी के साथ खेलेंगे। महिला वर्ग अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। कभी कभी आपके गुस्से और गलत शब्दों के प्रयोग से रिश्ते खराब भी आप कर सकते हैं और इसे आप बोलेंगे मित्रों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा नहीं करना है। आपको मित्रों व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत मशक्कत की जरूरत है और गतिविधियां कुछ धीमी रहेगी। मीडिया अथवा फोन द्वारा आपको कोई व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर में भी उचित सामंजस्य भी बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी। इस समय वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है, शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी और मित्रों जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा। जी हाँ, करियर में स्थिरता चाहते हैं तो कोशिश बढ़ानी ही होगी। फिलहाल ज्यादा काम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मित्रों काम आगे बढ़ सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित तनाव दूर करना चाहते हैं तो अपने निर्णय सोच समझ कर ही आपको लेने होंगे। और मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय कुछ राहत वाला रहेगा। मनोनुकूल परिणाम मिलने से थकान के बावजूद चुस्ती बनी रहेगी और फाइनेंस अथवा निवेश संबंधित गतिविधियों पर भी आपको ध्यान देना है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बन सकती है और कोई रुका हुआ सरकारी काम बन जाने से मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों व्यर्थ की घूमने फिरने व मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत ना करें। आप इसकी वजह से आपके काफी महत्वपूर्ण कार्य रोक सकते हैं। संतान पक्षों को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता रहेगी, कुछ समय उनके लिए भी व्यतीत करना आवश्यक है। और बिजनेस से संबंधित नई योजना या काम शुरू ना करें क्योंकि अभी
कामयाबी मिलने की संभावना थोड़ी सी कम ही है मित्रों, लेकिन अगर आप मेहनत पर ध्यान देंगे, सच्चे मन से मेहनत करेंगे मित्रों, तो सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। जी हाँ मित्रों, बेहतर होगा कि वर्तमान में जैसा चल रहा है उस पर भी ध्यान दे, ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसे छोड़कर नए की तरफ अग्रसर हो। नहीं, यह गलती नहीं करना है मित्रों। मेहनत ज्यादा रहेगी और फल थोड़ा कम रहेगा। कोई कागजात ना मिलने से दिक्कत आ सकती है। घर के मामलों में आपको अधिक हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि इससे घर का वातावरण बिगड़ सकता है और घर के सदस्यों को भी कुछ स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु तनाव व थकान से बचने के लिए आराम लेना भी आवश्यक है, और पुराने विचारों को छोड़कर आप नई बातों पर ध्यान दे पाएंगे। इस कारण जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। काम से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए समय फायदेमंद साबित होगा, और काम की वजह से परिचय में आए हुए लोगों के कारण जीवन को नई दिशा भी मिलेगी। मित्रों, जिन जिन लोगों के साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उन लोगों का चयन करने की अब आपको जरूरत है मित्रों। उन लोगों का चयन करके आपको व्यवसाय में बढ़िया सी स्थिति बनानी है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिसिप्लिन बनाकर रखें, और रिलेशनशिप की शुरुआत अपेक्षा के अनुसार जल्दी ही होगी। फिलहाल थोड़ा सा संयम रखें और जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यदि कोई राजनीतिक कार्य अटका हुआ है, तो उसे पूरा करने का अवसर आपको मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलने के योग है, और गृहिणियाँ और काम काजी महिलाएं अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकेगी। नकारात्मक गतिविधि के कुछ लोग आपकी आलोचना और निंदा करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मित्रों, अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। महिला वर्ग सजग रहें। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बेहतरीन परिणाम देने वाला यह समय है। किसी पारिवारिक संबंधी गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श होगा, और किसी पारिवारिक संबंधी मित्रों सबका सहयोग मिलेगा, जिसका नतीजा भी सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग अपनी मेहनत और प्रयासों के अनुकूल परिणाम हासिल कर लेंगे, और बच्चों की किसी गलती पर मित्रों शांति से समझाएं, गुस्से और डांट फटकार से उनके मनोबल में कमी आ सकती है। तो मित्रों, अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा, और दैनिक राशिफल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।